तो तो नेशनल नेशनल इनकम इनकम में याद याद रखना, रखना, इनकम इनकम ऑफ ऑफ ए ए कंट्री कंट्री इन इन ए ए रेफरेंस रेफरेंस टाइम टाइम पीरियड पीरियड या या इनकम इनकम ऑफ ऑफ ए ए कंट्री कंट्री इन इन ए ए फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर। ईयर। एक एक वित्तीय वित्तीय वर्ष वर्ष में में या या दिए दिए गए गए समय समय में में किसी किसी राष्ट्र राष्ट्र की की जो जो आय आय होती होती है है उसी उसी को को हम हम कहते कहते हैं हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय। आय। अब अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये पढ़ा पढ़ा कि कि नेशनल नेशनल इनकम इनकम निकालने निकालने की की जरूरत जरूरत हमें हमें क्यों क्यों पड़ी? पड़ी? अगर अगर हम हम नहीं नहीं भी भी निकाले निकाले तो तो हमारा हमारा काम काम तो तो चल चल ही ही रहा रहा है। है। क्यों क्यों निकालती निकालती है है सरकार सरकार राष्ट्रीय राष्ट्रीय है? है? और और तो तो सबसे सबसे पहले पहले हम हम ये ये देखें देखें कि कि फैमिली फैमिली इनकम इनकम को को मेजर मेजर क्यों क्यों करते करते हैं? हैं? ठीक, ठीक, तो तो फैमिली फैमिली इनकम इनकम को को जब जब पेरेंट्स पेरेंट्स आपके आपके मेजर मेजर करते करते हैं हैं तो तो उनका उनका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पहला पहला ये ये होता होता है है कि कि ये ये जो जो करंट करंट फैमिली फैमिली इनकम इनकम है है क्या क्या ये ये सारे सारे फैमिली फैमिली मेंबर्स मेंबर्स के के सर्वाइवल सर्वाइवल के के लिए लिए सफिशियंट सफिशियंट है? है? सर्वाइवल सर्वाइवल के के लिए लिए सफिशियंट सफिशियंट है? है? अगर अगर नहीं नहीं है है तो तो अदर अदर सोर्सेज सोर्सेज ढूंढे ढूंढे जाएंगे जाएंगे नई नई इनकम इनकम के। के। ठीक, ठीक, तो तो सबसे सबसे पहला पहला उद्देश्य उद्देश्य क्या क्या होता होता है है पेरेंट्स पेरेंट्स का का कि कि जो जो प्रेजेंट प्रेजेंट इनकम इनकम है है क्या क्या वो वो सभी सभी फैमिली फैमिली मेंबर्स मेंबर्स के के सर्वाइवल सर्वाइवल के के लिए लिए सफिशियंट सफिशियंट है? है? ये ये चेक चेक करना। करना। ठीक, ठीक, अब अब देश देश के के संदर्भ संदर्भ में में आ आ जाओ। जाओ। देश देश में में आपकी आपकी सरकार सरकार हो हो गई गई पेरेंट पेरेंट और और हम हम लोग लोग हो हो गए गए देश देश के के लिए लिए आपके आपके बच्चों बच्चों की की तरह। तरह। तो तो सरकार सरकार का का पहला पहला उद्देश्य उद्देश्य होता होता है है कि कि जो जो करंट करंट नेशनल नेशनल इनकम इनकम है है क्या क्या यह यह देश देश के के 140 140 करोड़ करोड़ लोगों लोगों के के सर्वाइवल सर्वाइवल के के लिए लिए सफिशियंट सफिशियंट है? है? ठीक, ठीक, पहला। पहला। दूसरा, दूसरा, फैमिली फैमिली इनकम इनकम को को मेजर मेजर करने करने के के पीछे पीछे दूसरा दूसरा आपके आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये ये होता होता है है क्या क्या हमारी हमारी फैमिली फैमिली के के सभी सभी रिसोर्सेज रिसोर्सेज का का ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज यूज हो हो रहा रहा है? है? कई कई बार बार रिसोर्सेज रिसोर्सेज का का ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज यूज नहीं नहीं होता। होता। ठीक, ठीक, जैसे जैसे कि कि फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान मान लिया लिया आपका आपका कोई कोई घर घर बना बना है। है। अब अब घर घर में में आप आप चार चार लोग लोग रहने रहने वाले वाले और और उसमें उसमें छह छह कमरे कमरे हैं, हैं, दो दो कमरे कमरे हमेशा हमेशा खाली खाली रहते रहते हैं। हैं। अगर अगर हमें हमें इनकम इनकम बढ़ानी बढ़ानी हो हो तो तो हम हम दो दो कमरों कमरों को को किस किस पे पे दे दे सकते सकते हैं? हैं? रेंट रेंट पे पे दे दे सकते सकते हैं। हैं। तो तो इससे इससे क्या क्या होगा? होगा? इनकम इनकम बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। पर पर यूज यूज नहीं नहीं कर कर रहे रहे हैं। हैं। ठीक, ठीक, तो तो सरकार सरकार भी भी तो तो यही यही करेगी। करेगी। सरकार सरकार ये ये देखेगी देखेगी क्या क्या हमारे हमारे देश देश के के जो जो सारे सारे रिसोर्सेज रिसोर्सेज हैं हैं क्या क्या उनका उनका ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज यूज हो हो रहा रहा है? है? ठीक ठीक है, है, नहीं नहीं हो हो रहा रहा है है तो तो उसको उसको बढ़ावा बढ़ावा देगी। देगी। ठीक ठीक है, है, तीसरा तीसरा आपके आपके फैमिली फैमिली इनकम इनकम हम हम इसलिए इसलिए भी भी चेक चेक करते करते हैं हैं क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स को को पता पता है है कि कि बच्चे बच्चे कल कल के के दिन दिन बड़े बड़े हो हो रहे रहे हैं। हैं बड़े बड़े हो हो रहे रहे हैं हैं तो तो उनकी उनकी एजुकेशन एजुकेशन पे पे लगने लगने वाला वाला पैसा पैसा बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक ठीक है, है, इसके इसके अलावा अलावा आपके आपके एजुकेशन, एजुकेशन, शादी शादी विवाह विवाह तमाम तमाम चीजें चीजें जो जो भी भी हैं हैं तो तो यही यही चीज चीज करेगी करेगी आपकी आपकी सरकार। सरकार। देश देश के के अंदर अंदर हम हम इनकम इनकम इसलिए इसलिए मेजर मेजर करते करते हैं हैं जिससे जिससे कि कि हमें हमें ये ये पता पता रहे रहे कि कि सेविंग सेविंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और और फ्यूचर फ्यूचर की की प्लानिंग प्लानिंग हमें हमें करना करना कैसे कैसे है? है? ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये आपके आपके तीन तीन कारण कारण होते होते हैं हैं इसलिए इसलिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेजर मेजर करती करती है है नेशनल नेशनल इनकम। इनकम। ठीक ठीक है, है, तो तो नेक्स्ट नेक्स्ट याद याद रखना, रखना, नेशनल नेशनल इनकम इनकम का का मेजरमेंट मेजरमेंट किया किया क्यों क्यों जाता जाता है? है? में मेजरमेंट मेजरमेंट करती करती है है तो तो सबसे सबसे पहले पहले टू टू चेक चेक इज इज करंट करंट नेशनल नेशनल इनकम इनकम सफिशिएंट सफिशिएंट फॉर फॉर सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ ऑफ द द पीपल पीपल ऑफ ऑफ ऑल ऑल कंट्री। कंट्री। ये ये चेक चेक करना करना कि कि जो जो करंट करंट नेशनल नेशनल इनकम इनकम है है वो वो देश देश के के सभी सभी नागरिकों नागरिकों के के सर्वाइवल सर्वाइवल के के लिए लिए क्या क्या है है पूरी पूरी हो हो रही रही है? है? ठीक ठीक है, है, दूसरा दूसरा टू टू चेक चेक द द ठीक ठीक ऑप्टिमम ऑप्टिमम रिसोर्सेज रिसोर्सेज ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूज यूज ऑफ ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज कि कि देश देश के के आपके आपके सभी सभी रिसोर्सेज रिसोर्सेज का का आपके आपके अनुकूलतम अनुकूलतम उपयोग उपयोग हो हो रहा रहा है है और और इसके इसके अलावा अलावा आपके आपके टू टू प्रिपेयर प्रिपेयर द द फ्यूचर फ्यूचर प्लान प्लान एंड एंड सेविंग सेविंग एंड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यानी यानी भविष्य भविष्य की की योजनाएं योजनाएं बनाने बनाने और और सेविंग सेविंग एंड एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की की सिचुएशन सिचुएशन को को जानने जानने के के लिए। लिए इसके इसके लिए लिए आपके आपके गवर्नमेंट गवर्नमेंट चेक चेक करती करती है है क्या क्या नेशनल नेशनल इनकम। इनकम। ठीक ठीक है, है, अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ यहाँ याद याद रखना रखना कि कि ये ये जो जो आपके आपके किसी किसी भी भी व्यक्ति व्यक्ति की की जो जो आपके आपके इनकम इनकम होती होती है है ये ये इनकम इनकम हमेशा हमेशा दो दो प्रकार प्रकार की की होती होती है। है एक एक इनकम इनकम को को हम हम कहते कहते हैं हैं अर्न अर्न और और एक एक को को कहते कहते हैं हैं हम हम नॉन नॉन अर्न। अर्न। अब अब इन इन दोनों दोनों में में क्या क्या अंतर अंतर होता होता है? है? नोट नोट तो तो दोनों दोनों में में गुलामी गुलामी ही ही आते आते हैं। हैं। बस बस अंतर अंतर होता होता है है एक एक टेबल टेबल के के ऊपर ऊपर की की इनकम, इनकम, एक एक टेबल टेबल के के नीचे नीचे की की इनकम। इनकम। ठीक, ठीक, इनकम इनकम जो जो आपके आपके होती होती है है, वो वो
नॉन अर्न इनकम आपके वह इनकम होती है जो ना तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है और ना ही इसके द्वारा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और ये अपने नेचर में नॉन रिपीटेटिव होती है, नॉन रूटीन होती है। ठीक, जैसे कि आपके रिश्वत। अब सरकारी आप नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी तो रेगुलर मिलती है आपको, लेकिन रिश्वत रेगुलर थोड़ी है। मौका लग गया तो मिल गई रिश्वत, मौका लग गया रिश्वत लेते पकड़ गए तो भाई कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक, अब इसके बारे में नेक्स्ट याद रखना। अब यहाँ याद रखना, मान लिया कि आपका कोई घर है, ठीक है, आपने अगर घर रेंट पे लिया है तो ये अर्न इनकम, और आपने अगर घर बेच ही लिया तो नॉन अर्न इनकम। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि घर बेच दिया तो एक ही बार पैसा आएगा वो आपके पास, अब रूटीन नेचर नहीं है वो। ठीक है, तो अर्न इनकम हमेशा देख लेना जिस इनकम का जो नेचर हो वो कैसा हो, रूटीन हो, जो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे आपके पास आ रही हो वो अर्न इनकम, और जो एक बार आए सिर्फ जिसकी भविष्य में कोई संभावना ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन अर्न इनकम। ठीक, अब आप लोग बताओ अगर आपको अपने भविष्य की सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर इसका आधार लेना है तो आप अर्न इनकम को लोगे या नॉन अर्न को? अर्न इनकम को। ठीक है, तो यहाँ याद रखना कि सरकार जब कभी भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट करती है तो वो सिर्फ किसका मेजरमेंट करती है? अर्न इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम में सिर्फ अर्न इनकम को काउंट इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक, मान लो कि आपके घर की इनकम है 10,000 रुपए महीने, ठीक है, और आपके घर में 4 मेंबर हैं, ठीक, तो पर कैपिटा फैमिली इनकम कितनी हुई? आपके मंथली इनकम है और मेंबर कितने हैं? 4, तो 10,000 को डिवाइड कर दो कितने से? 4 से, तो 2500 रुपए पर कैपिटा फैमिली इनकम हो गई आपकी, यानी कि घर के प्रत्येक सदस्य की आय कितनी हो गई? 2500 रुपए के क्या पर कैपिटा इनकम। प्रत्येक देश सरकार का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य होता है कि उसके देश में पर कैपिटा इनकम क्या हो, ज्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, लोगों के ऊपर पैसा खर्च होगा, एचआरडी कन्वर्ट होगा। ठीक, तो फ्यूचर की संभावनाएं क्या होंगी? बेहतर होंगी। ठीक है, तो सरकार पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करेगी? इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है? अगर पर कैपिटा इनकम को देश में बढ़ाना है तो क्या करना होगा? नेशनल इनकम को बढ़ाना होगा और पॉपुलेशन को करना होगा कांस्टेंट। ठीक, क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं हो सकती, जिसने जन्म ले लिया वो तो ले लिया, अब जो होगा वो आगे होगा। ठीक, यानी यहाँ तक तो आप आ चुके हो, अब आगे की संभावना आप पे निर्भर है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि अगर पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है तो देश के अंदर हमें करना ही होगा कि नेशनल इनकम को तेजी से बढ़ाना होगा और पॉपुलेशन को स्टेबल करना होगा। ठीक है, तो ये आपको तेजी से बढ़ाना होगा और पॉपुलेशन को स्टेबल करना होगा। ठीक है, तो ये आपके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का क्या होगा? तरीका। ठीक है, अब सिर्फ स्टेबल करने से भी नहीं बढ़ जाएगी, जो पॉपुलेशन है उसे स्किल्ड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन जब एचआरडी में कन्वर्ट होगी, ठीक, तब उसके अंदर क्या होगा? एफिशिएंसी ज्यादा होगी और वो ज्यादा पैसे अर्न कर पाएगी। ठीक, तो जब स्किल्ड पॉपुलेशन होगी तो एक तो उसकी अर्निंग बढ़ेगी, दूसरा स्किल्ड पॉपुलेशन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ेगी, उससे नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है तो हमें फोकस यहां करना होगा, पॉपुलेशन को स्टेबल करना होगा और जो पॉपुलेशन है उसे एचआरडी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे समझना। तो नेशनल इनकम का जब भी आपके देश में मेजरमेंट किया जाता है तो यहाँ ये चार पिलर्स आपके महत्वपूर्ण होते हैं, चारों पिलर्स आपको समझना जरूरी है। नेशनल इनकम को मेजर करते टाइम सबसे पहले तो समझना है आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हम इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा, आपके नेशनल इनकम के मेजरमेंट के होते हैं कुछ इंडिकेटर्स, मापन के सूचकांक। तीसरा, आपके मेजरमेंट की होती है आपके कुछ मेथड्स यानी मापन की विधियां। और चौथा, आपके पे इंस्टीट्यूट या पे ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। ठीक, अब हम इन चारों हेडिंग्स को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके ये आया कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते टाइम हम सबसे पहले इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड करते क्यों हैं? ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का कांसेप्ट कैसे आया? ठीक, इकोनॉमी को हमें तीन सेक्टर में डिवाइड करने की जरूरत पड़ी क्यों? क्यों पड़ी? कोई फैमिली है, इस फैमिली की आपके इनकम है 10 लाख रुपए पर
ईयर, ठीक है। ओवरऑल सभी सोर्सेस से इसकी 10 लाख रुपए पर ईयर आपके इनकम है, ठीक है। अब यहां 10 लाख रुपए पर ईयर इसकी इनकम है तो आपके कहां से आ रही है इनकम, ठीक। अब इस व्यक्ति से पूछा गया कि ये बताओ कि इनकम कहां से रही है, तो ये व्यक्ति कहेगा कि 10 लाख रुपए जो इनकम आ रही है उसमें से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है 2 लाख रुपए तो आ रही है इससे, 2 लाख रुपए पर ईयर, ठीक। दूसरा आपके इसकी एक फैक्ट्री है 3 लाख रुपए आपके साल में कमा के दे रही है, ये 3 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। इसके अलावा आपके टैक्सी का बिजनेस है इसका 5 लाख रुपए साल में कमा के दे रहा है आपको, ये इस तरह से ओवरऑल इनकम कितनी हो गई 10 लाख, ठीक है। तो कोई फैमिली आपके 3 अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करती, हर फैमिली के पास अलग अलग सोर्स होते हैं इनकम के, लेकिन वो कभी सोचने की कोशिश नहीं करते, ठीक। अब इस पर सोचना क्या है हमें, ठीक है। हमने आपके यहाँ ये देखा कि पहली चीज आपके एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी, फैक्ट्री का मतलब सेकेंडरी, टैक्सी का मतलब टर्शियरी या सर्विस सेक्टर, यही होगा तीन चीज, ठीक। अब यहाँ हमने आपके ये सोचा कि एग्रीकल्चर की ये जो आपके 2 लाख रुपए पर ईयर जो आपके इनकम है, ठीक, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, अगर 10 बीघा जमीन खरीदी है आपने जिससे 2 लाख रुपए आ रही है तो ये 10 बीघा जमीन होगी कितने की, कितना रुपए लगा के आप कितना पैसा कमा रहे हो, यानी सबसे पहला इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस, ठीक। पहला तो हम ये देखेंगे कि हमने जमीन पे आपके कितना पैसा लगाया और कितना पैसा लगा के आपके हमने कितना पैसा बनाया, ठीक। ये हुआ पहला पॉइंट। अब दूसरा, अब हमने यहाँ आपके दूसरा ये देखा कि यहाँ हमने जमीन पे एक्स वाई जेड जो अमाउंट लगाया उसका हमें 2 लाख रुपए पर ईयर रेगुलर इनकम आ रही है, इस फैक्ट्री पे हमने इतना अमाउंट लगाया इसमें 3 लाख आ रही है, टैक्सी पे आपके इतना लगाया इसमें 5 लाख आ रही है, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि कहाँ आपके कितना निवेश करके कितना आउटपुट आ रहा है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है आपके आप जो जमीन पे निवेश करते हो एग्रीकल्चर लैंड पे उसका आउटपुट सबसे कम होता है, ठीक। आउटपुट जमीन बेस्ड तो रियल एस्टेट में ले आओ तो एक अलग बात है, लेकिन एग्रीकल्चर का आउटपुट नहीं है इतना, ठीक। एग्रीकल्चर लैंड चाहे आप कितनी भी खरीदो उसका आउटपुट कंपैरेटिवली क्या है, फैक्ट्री के सापेक्ष आपके सर्विस इंडस्ट्री के सापेक्ष कम है, ठीक है। बस स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी, एग्रीकल्चर लैंड क्या है स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्यों, अब जमीन तो ले ली कोई चोरी तो कर नहीं ले जाएगा, ठीक। और अगर बाहुबली है तो कब्जा भी नहीं करेगा कोई, ठीक। बाहुबली नहीं तो कब्जे की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ आपके पहला तो ये कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या है, ठीक। दूसरा आपके ये किस जगह पे कितने लोग आपके काम कर रहे हैं, ये जो आपके 2 लाख रुपए की आपके जो इनकम हो रही है ये इनकम आपके कितने लोगों को आपके एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक। या जो 3 लाख रुपए की इनकम हो रही है ये कितने को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और ये जो 5 लाख की इनकम हो रही है ये कितने लोगों को इनकम दे रही है, ठीक। अब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो आपके सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे होंगे, सबसे ज्यादा किसमें लगे होंगे एग्रीकल्चर में, या टैक्सी में तो एक ही व्यक्ति चाहिए जो 5 लाख कमा के दे देगा, एग्रीकल्चर में एक से काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपके क्या हुआ यहाँ 10 लोग आपके काम कर रहे हैं, ठीक है, तब 2 लाख आ रहे हैं, यहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं तब 3 लाख, यहाँ तो एक ही काम करेगा टैक्सी पे तब 5 लाख, इसका मतलब आपके पर पर्सन प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा जा रही है, सर्विस सेक्टर में यही हो रहा है ना। तो अब इससे दूसरी चीज आपके क्या पता चलती है, जैसे ही इससे आपके एम्प्लॉयमेंट पता चलेगा तो इससे आपके ये पता चलेगा कि पर पर्सन प्रोडक्टिविटी आपके किस सेक्टर में क्या है, ये तुरंत आपका पता चल जाएगा, और पर पर्सन प्रोडक्टिविटी के साथ आपको ये भी पता चलेगा जहाँ पर पर्सन प्रोडक्टिविटी निकली उस सेक्टर में मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट जानते हो छुपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, तो मार्जिनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग आपके काम में लगे होते हैं लेकिन उनका जो आपके आउटपुट होता है वो होता है जीरो, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लिया आपके एग्रीकल्चर में आपके ये कोई लैंड है, ठीक है, इस पे आपके 10% आपके काम कर रहे हैं और इसका आउटपुट है मान लिया कितना 1 टन, ये आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इस 10% में से आपके 3% अगर आपके ये काम छोड़ के चले भी जाएं और यहां आप रहेंगे कितने 7%, तब भी आउटपुट आ रहा है कितना 1 टन, तो इसका मतलब आपके क्या हुआ, ये तीन तो फालतू लगे हुए थे, ठीक। गांव में क्या होता है कि आप जब घर पे बैठ के क्या करें, चलो